Our colleague Prakash Adhikari spoke to SKM spokesperson Bikash Basnet on the allegations by the Citizen Action Party. Let's listen in. मीटिंग हुआ था सिक्किम और दार्जिलिंग के जो ट्राइबल स्टेटस की मांग को लेकर इस मीटिंग को एक हिडन एजेंडा बताया है। इस मीटिंग के पीछे एक हिडन एजेंडा है बोल के सिटीजन एक्शन पार्टी ने बताया। इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन? इस पर ज्यादा मैं टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। ये उन लोग का मानसिकता है क्योंकि उन लोग का जो स्टेटमेंट आया है मैं मानता हूँ वो चाइल्डिश मानता हूँ और ये निंदनीय पूर्ण है। इसके विषय में हम लोग गहन चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उस मीटिंग में हमारे सीएम साहब भी थे, उसके बाद में दार्जिलिंग के सांसद सिक्किम के सांसद दोनों थे और उसके उपरांत जो दार्जिलिंग के 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी जात की गोष्ठी के वो चीफ थे और सिक्किम के 12 जातों की संगठन के जितना भी प्रतिनिधि थे वहाँ वो थे और उसके उपरांत सिक्किम सरकार के आला अधिकारी थे। तो ये एकदम ओपन फोरम में हुआ है मीटिंग, तो ये पूरा रिकॉर्डेड है और ये एक उच्च स्तरीय इस मीटिंग को इस तरह से ये नीच शब्द प्रयोग करके जो सिटीजन एक्शन पार्टी ने क्या कार्य किया है उसको हम घोर आपत्तिजनक ठानते और इसको इसके विषय में हम चाहते हैं कि सभी जो जितना भी जातीय संगठन है वो लोग भी चर्चा करें और इसको आपत्ति जनाएं। उन लोगों ने हिजन एजेंडा के साथ साथ सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर का बात वहाँ पर हुआ है सब बोला, इस पर क्या कहना? आप भी थे और जितना भी मीडिया कर्मी भी वहाँ पर थे और क्या चीज़ पर विषय हुआ, किस चीज़ पर चर्चा हुआ वो सबके आगे और उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका मीटिंग का मिनट ड्रॉ हुआ है और ये उन लोग का शायद ये राजनीतिक गोटी शायद उन लोग ने फेंका है, लेकिन इसको हम उतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि जिस तरह से सामान्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो ये 12 जाति को ट्राइबल स्टेटस का मांग जो लगभग कईयों वर्ष से हो रहा है, जो 4 दशक से हो रहा है, इसको मांगने के लिए जिस तरह से ये मीटिंग किया है, जिस तरह से पहल किया है, इसको सभी ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो इस तरह की संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण विषय को इसको डाइवर्ट करना और इसको दूसरी ओर संज्ञा देना ये उन लोग का मानसिकता है, इसको हम लोग आपत्ति जनाते हैं। और जिस तरह से मीटिंग हुआ है ये एक मैं मानता हूँ ये उत्तम पहल हुआ है और ये पहल के वजह से जो 12 जाति है सिक्किम और दार्जिलिंग का जो जिसको ट्राइबल मिलना है उन लोग को ये महत्वपूर्ण विषय और इसको मिलने के लिए एक अहम पहल किया गया है। मीटिंग सिक्किम में होना चाहिए था, सिलीगुड़ी में हुआ बोल के उन लोगों ने आपत्ति किया। क्या नहीं, सिक्किम में पहले ही मीटिंग हुआ है, सम्मान भवन में एक मीटिंग हो चुका है, उसके बाद में ये दार्जिलिंग में मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ है, मतलब सिलगुड़ी में हुआ है, उसके बाद में फिर ये राउंड ऑफ मीटिंग हुआ होगा। Alright, my colleague Prakash Adhikari joins us live from Gangtok at this point in time. Prakash, एक बहुत ही grave जो कहते हैं grave concern express किया है Citizen Action Party ने इस विषय पर, लेकिन प्रकाश क्या आपको लगता है कि इस issue को खामोखा ही politicize किया जा रहा है? जी हाँ, जो कल जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में सिक्किम के जो 12 जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज के सभी कम्युनिटीज लीडर्स थे, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने प्रिसाइड किया था, सिक्किम के सभी कैबिनेट मंत्री थे, राज्यसभा के सांसद थे, लोकसभा के सांसद थे, एमएलएस थे, इसी तरह दार्जिलिंग से देखिए तो दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद राज विष्ट, दार्जिलिंग के एमएलए नीरज जिम्मा, कालचीनी के एमएलए विशाल लामा और दार्जिलिंग के 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज के सभी कम्युनिटीज लीडर थे और एक ओपन मीटिंग हुआ था और इस मीटिंग में ट्राइबल स्टेटस को लेकर ही बात हुआ था। मगर इस बात को जो सिटीजन एक्शन पार्टी जो हिडन एजेंडा बता रहे हैं, सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर का इशू को लेकर ये मीटिंग हुआ है ऐसा बता रहे हैं, मगर वहाँ जो लोग उपस्थित थे वहाँ पर सभी का यही कहना है कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सीएपी ने किस आधार पर ये बात को रखा है, थोड़ी देर बाद गणेश राय जो सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रेसिडेंट है वो नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ अपने बात रखेंगे, उन्होंने 1 बजे का समय हम लोगों को दिया है। मगर किस आधार पर अभी सिटीजन एक्शन पार्टी ऐसे बात बोल रहे हैं कि ये सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर के लिए हिडन एजेंडा के लिए, और इन लोगों का ये कहना है कि
सिक्किम एक स्टेट है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट में जाके एक एमपी के साथ मीटिंग नहीं करना चाहिए थे, उन्होंने प्रोटोकॉल को भंग किया है। दार्जिलिंग को एमपी को सिक्किम बुलाना चाहिए था और ये मीटिंग सिक्किम में होना चाहिए था, ऐसा सिटीजन एक्शन पार्टी का आरोप है कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल को भी भंग किया है। तो मगर इसमें आज जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से बताया गया है कि जब सिक्किम में जब नेपाली भाषा का आंदोलन हुआ था 90 में तो 92 तक, तब के मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी ने इसी तरह दार्जिलिंग आसाम के जितने भी गोरखाज हैं उन सभी को कन्फ्यूजन में लेके बाहर मीटिंग किया था और सबके एफर्ट के साथ नेपाली लैंग्वेज ने रिकॉग्नाइज नेपाली लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज मिला था। तो इसी तरह इसको भी ये सिर्फ सिक्किम का एजेंडा नहीं है, ये दार्जिलिंग का भी इशू है। तो एक जॉइंट एफर्ट के साथ एक काम करना चाहिए, इसीलिए मीटिंग सिलीगुड़ी में किया गया है। जो एसकेएम पार्टी की ओर से ऐसा क्लेरिफिकेशन आया है, तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल स्टेटस का जो डिमांड है, जो डिमांड को लेकर जो कल जो एक एफर्ट के लिए दार्जिलिंग और सिक्किम का जॉइंट मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग को लेकर इस मीटिंग के पीछे एक हिडन एजेंडा होने की जो सीएपी का जो दावे है, इस दावे के पीछे भी उन लोगों का सच में उन लोगों के पास क्या प्रूफ है या इसे ही उन लोगों ने एलिगेशन लगाया है, एक बजे सिटीजन एक्शन पार्टी के जो प्रेसिडेंट है गणेश राय वो क्लियर करेंगे। जी जी बिल्कुल। और प्रकाश, ये आपकी थोड़ी देर पहले एसकेएम लीडर विकास बसनेत से भी बात हुई है, तो एक जो पॉइंट रेज किया है सीएपी ने कि वहाँ पे उस मीटिंग में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों नहीं थे, क्या इसके ऊपर विकास बसनेत की तरफ से क्या कोई रिएक्शन मिला आपको? कल जी हाँ, कल यही बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो दार्जिलिंग के एमपी राजीव बिष्ट को भी एक क्वेश्चन किया गया था मीडिया की ओर से, तब राजीव बिष्ट ने बोला था कि एक एक सामाजिक एक मुद्दा है, एक संवैधानिक मुद्दा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, तो इसमें पॉलिटिकलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है बोल के उन्होंने बोला था। मगर एक बात हम लोग ये बोल सकते हैं, कल के मीटिंग में एनडीए के जो पार्टनर्स है, क्योंकि राजीव बिष्ट बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है जो दार्जिलिंग के एमपी है, तो एनडीए के पार्टनर के साथ ये मीटिंग बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो गोरखालैंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जो अभी है, जो जीटीए है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी पावर में है, वो लोग टीएमसी ममता बनर्जी के अलायंस पार्टनर है, जो गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी जो अनित थापा का पार्टी है वो ममता बनर्जी के पार्टी का अलायंस पार्टनर है। तो इसकी वजह से शायद एनडीए और टीएमसी का जो लड़ाई है इसके बीच में इस इश्यू ना दब जाए, इसीलिए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को नहीं बुलाया गया। मगर कल के मीटिंग में जो एनडीए के जो पार्टनर है, चाहे सिक्किम के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो या दार्जिलिंग से बीजेपी हो, तो एनडीए के एक मीटिंग हम लोग कह सकते हैं।